नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैकफास्ट टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मैकफास्ट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मैकफास्ट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मैकफास्ट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में मैकफास्ट टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। मैकफास्ट एक ब्रांड नेम है। मैकफास्ट टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन पैरासिटामोल होता है। मैकफास्ट टैबलेट 500 mg और 650 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। मैकफास्ट टैबलेट का उपयोग हल्के दर्द और बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। मैकफास्ट टैबलेट का उपयोग बुखार होने पर, सिरदर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, जोड़ों में दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द, माइग्रेन के दर्द और गले के दर्द आदि कंडीशंस में मैकफास्ट टैबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि मैकफास्ट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे मैकफास्ट टैबलेट दर्द और बुखार की एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में मैकफास्ट टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादा खुराक में मैकफास्ट टैबलेट को लेने से लिवर डैमेज हो सकता है। इसलिए आपको मैकफास्ट टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि मैकफास्ट टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। मैकफास्ट टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। बुखार होने पर 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को डॉक्टर मैकफास्ट 500 mg टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर मैकफास्ट 650 mg टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन मैकफास्ट टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको मैकफास्ट टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि मैकफास्ट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में मैकफास्ट टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी या लिवर की कोई बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में मैकफास्ट टैबलेट की खुराक घटानी पड़ सकती है। लगातार 10 दिन से अधिक मैकफास्ट टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना मैकफास्ट टैबलेट को लगातार 10 दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मैकफास्ट टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे पैरासिटामोल आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को मैकफास्ट टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं मैकफास्ट टैबलेट को ले सकती है या नहीं। वैसे मैकफास्ट टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी मैकफास्ट टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मैकफास्ट टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मैकफास्ट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मैकफास्ट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।